सो हेलो गाइस, हम फिर से एक हमारा नया एक वीडियो लेकर आ चुका है। तो इस वीडियो में हम जो 52,000 में एक पीसी बिल्ड करेंगे, जो कि हमारा जो फ्री फायर पबजी वगैरह जो स्ट्रीम होता है, एडिटिंग होता है, जो यूट्यूबर्स होता है उन लोगों के लिए। तो इस जो पीसी में हम कोई भी पार्ट्स को हम कंसिडर नहीं करने वाले, मतलब कि लो रेंज में कोई भी चीज़ हम नहीं लेने वाले, और एक फ्यूचर प्रूफ मदरबोर्ड और प्रोसेसर भी हम लेंगे। और इस बिल्ड में हम कोई जीपीयू वगैरह नहीं यूज़ करेंगे, मतलब कि जीपीयू हम बाद में लगा चाहे तो लगा सकते हैं, और जीपीयू की प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम पे। तो इस बिल्ड में हम क्या क्या यूज़ करते हैं आप वीडियो में देखते रहिए। सो इस बिल्ड में हम इंटेल को यूज़ करेंगे। तो इंटेल i3 10th जनरेशन जो प्रोसेसर का मॉडल है वो 10100 जो प्रोसेसर है, इस बिल्ड में हम इस प्रोसेसर यूज़ करने वाले हैं, जो कि एक IGPU है। और हमारा जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड यूज़ करेंगे गीगाबाइट का B460M DS3H। ये मदरबोर्ड को 4 रैम स्लॉट देखने को मिल जाएगा, और दो दो आपको ग्राफिक्स कार्ड इसमें देखने को मिल जाएगा। और ऊपर वाला जो स्लॉट है वो आपको 4.0, नीचे वाला 3.0 ग्राफिक्स कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा। आप चाहे तो इस जो मदरबोर्ड में अच्छा खासा ग्राफिक्स कार्ड आप बाद में भी अपग्रेड कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और इसके साथ हम जो इसका जो SSD है वो हम यूज़ करेंगे किंगस्टोन का 2250 GB का एक SSD यूज़ करेंगे, जो कि NVMe SSD Gen 3 बेस SSD है। और इसके जो हार्ड ड्राइव है, हम हार्ड ड्राइव यूज़ करेंगे सीगेट का 1TB बारागुड़ा, जो कि 7200 RPM में आता है, और जो कि हमारा जो एडिटिंग वगैरह में काम आएगा। और इस बिल्ड में हम जो रैम यूज़ करेंगे 8GB Corsair का, जो कि 3200 MHz में आता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रैम होता है। आप चाहे तो रैम हमने इधर एक यूज़ किया है, आप चाहे तो दो तीन और यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको 4 रैम स्लॉट देखने को मिल जाएगा, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। और इसका जो पावर सप्लाई यूज़ करेंगे, जो पावर सप्लाई होगा वह CB सीरीज का, मतलब कि Corsair का CB सीरीज का 550W का SMPS, और ये 18+ ब्रॉन्ज में आता है। और अब ये जो SMPS हमने चूज़ किया है, ये हमने ज़्यादा इसलिए रखा क्योंकि आप चाहे तो बाद में अच्छा खासा GPU यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमको पावर देने में सक्षम होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट्स है वो है हमारा कैबिनेट। हम कैबिनेट को इधर हमने चूज़ किया है Antec NX310, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और है फैन आपको दो मिलेगा, और ज़्यादा फैन देखने को नहीं मिलेगा। आप इस जो कैबिनेट में आप बाद में लिक्विड कूलिंग आप लगा सकते हैं। हमारा जो मॉनिटर है LG का 22 इंच का फुल्ली IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, और इस डिस्प्ले में आपको जो रिस्पांस टाइम है वो 5 ms और 75 रिस्पांस टाइम देखने को मिल जाएगा। ब्राइटनेस है वह 250 निटेल्स अपनों ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा, और काफ़ी अच्छा और खूबसूरत बडरलेस, मतलब कि बजरलेस आप लोगों को डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। और गेम खेलते हुए काफ़ी खूबसूरत लगता है, और इसका जो रिस्पांस टाइम है वो 75 है, और जो कि काफ़ी अच्छा है, और एक जो गेम है सफिशिएंट गेम खेलने के लिए मोर देन इनफ है। तो फटाफट कर लेते हैं हमारा PC बिल्ड। We'll be right back.
सो यार थोड़ा सा कर लेते हम लोग गेमिंग टेस्ट, कैसा इसका परफॉर्म गेमिंग है। आता है भाई। मारे तू भाई, मैंने चारों बंदों को मार दिए भाई, और शुरुआत में ही मारे मैंने। भाई मेरा मेरा अक्का को कितना है फोन? भाई बंदा रद्द मैं नहीं कर सकता, मैं बस और फर्स्ट ब्लड। मार दिया भाई, पीछे से मार दिया भाई, रिवाइव दे लो भाई, ऐसे मार भाई, उड़ भाई। वेलकम अच्छा कह रहा भाई, भाई डैमेज खाया था वो बंदा भाई, बहुत अच्छा डैमेज खाया था, इन्हीं का वो डैमेज नहीं खाया था। काम कह रहे जियो बोल रहे हैं, जियो सो गाइस अभी बात करेंगे जो पीसी का जो प्राइसिंग है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में थोड़ा बहुत प्राइस का थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मतलब कि इधर उधर हो रहा है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ऑनलाइन का प्राइस क्या है, ऑफलाइन का प्राइस क्या है, मेरे को कितना मिला। तो इधर देखिए कि ऑनलाइन में अमेज़न पे दिखा जा रहा है 12,900 रुपया जो कि पॉइसर का जो रेट है। तो ये मेरे को 11,800 रुपया में मिल गया था, मतलब कि 11,800 में मेरे को मिल गया था। और इधर आप लोगों को पड़ेगा 12,900 रुपीज़। तो यही है पॉइसर का रेट, और मदरबोर्ड का रेट इधर है 9,323 रुपीज़। और जो मेरा जो मदरबोर्ड का जो ऑफलाइन प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा है, मेरे को इधर थोड़ा 9,650 रुपीज़ पर, मतलब कि 300 रुपये मेरे को ज़्यादा देना पड़ गया था इधर, क्योंकि मेरे को 300 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ गया। और जो इसके बाद ही हम बात करेंगे जो किंगस्टन की जो SSD के बारे में, इधर आपको दिखा रहे कि NVMe SSD जो मैंने बोला था कि 250 GB का आता है, तो इधर मेरे को थोड़ा कम दाम में मेरे को मिल गया था। इधर दिखा रहे 3,800 रुपीज़ में, मतलब कि 3,800 रुपया। और मेरे को जो ऑफलाइन मार्केट पर 3,650 मतलब कि 3,650 रुपीज़ मेरे को 3,650 में मेरे को मिल गया था। और उसके अगले कॉम्पोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, तो इधर है रैम 8GB DDR4 जो कि 3200 MHz में रैम आता है। तो इधर दिखा रहे 4,329 रुपया, और मेरे को ऑफलाइन में फुल 4,400 में मिल गया, मतलब कि 100 रुपया मेरे को ज़्यादा देना, 100 रुपये के लगभग 100 रुपया के पास मेरे को एक्स्ट्रा देना पड़ा। और उस अगले चीज़ के बारे में बात करें जो कि SMPS हमारा कॉर्सियर के SMPS मेरे को 4,000 में पड़ी था, 4,000 में मिल गया, मतलब कि 4,000 में मिल गया था। और इधर जो ऑनलाइन का जो प्राइस है वो 4,600 रुपीज़ है, और ऑफलाइन में ओनली 4,000। तो इधर भी मेरे को थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल गया। और ये वाला हार्ड डिस्क मैंने यूज़ किया 12 कूडा, तो ऑनलाइन में 3,490 रुपीज़ में आप लोगों को मिलेगा, और ऑफलाइन में मेरे को 3,100 में मिल गया था। आप एक बार ऑफलाइन में रेट चेक कर लेना, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत कम मिलता है तो ऑफलाइन में आप कोशिश कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा रेट अभी के लिए बहुत ही ज़्यादा है। और कैबिनेट में भी सेम कैसा कैबिनेट 4,399 में ऑनलाइन है, और ऑफलाइन में 3,650 में आप लोगों को मिल जाएगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही इधर आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा ऑफलाइन में 3,650
तो याद रखना। और जो मॉनिटर है वो 10,099, और इधर मेरे को ऑफलाइन में 11,000 में, मतलब कि 1 रुपया ज़्यादा देना पड़ा, मतलब कि 1 रुपया रिटर्न नहीं दिया, मतलब कि ऑनलाइन में सेम ही रेट है। ये फ्लिपकार्ट का वेबसाइट है, अमेजोन में ये वाला वेरियंट मैंने चेक किया था तो अवेलेबल नहीं था, जो था वो AMD फिनिशिंग का नहीं था। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को अच्छा लगता है तो चैनल को जो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इस पीछे आप स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, गेमिंग खेल सकते हैं। अगर फ्यूचर में कभी आप और जो ग्राफिक्स कार्ड आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो इधर का जो टोटल जो प्राइस है ऑनलाइन में टोटल प्राइस आता है 54,431 रुपीज़, मतलब लगभग 55,000 में आप लोगों को ये पड़ जाएगा, मतलब कि डिलीवरी चार्ज अगर ऐड होता है। कुछ कुछ जगहों पे डिलीवरी चार्ज आप लोगों को लग जाएगा, मतलब कि 54,000-55,000 में आप लोगों को टोटल ऑनलाइन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। मैंने कीबोर्ड माउस इधर नहीं चॉइस किया, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा वाला यूज़ करेंगे। और जो ऑफलाइन का जो प्राइस है टोटल आता है 51,250 रुपीज़। तो आप इसमें भी कीबोर्ड माउस मैंने ऐड नहीं किया, आप चाहे तो कर सकते, कोई भी मर्जी आपका मर्जी के ऊपर है। तो वही अगर हम लोग ऑफलाइन में कीबोर्ड माउस को इंक्लूड करते हैं तो 52,000 में आप लोगों को कीबोर्ड माउस में भी आ जाएगा। तो यही है, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलेंगे और एक नया वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय, और इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, इस तरह का जो वीडियो और भी चैनल पे आने वाला है।